Good morning, all of the students. Myself, Kapil Singhal, and you're welcome on another part of this chapter, Atoms and Molecules. जैसे कि हम 9th क्लास के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, Atoms and Molecules, यानी कि जो आपके परमाणु होते हैं, यानी एटम्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं और एटम से आपको क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है. ओके, तो हम मॉलिक्यूल के बारे में देख रहे थे. हमने इनका देखा था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मास देखा था. ओके, इसके अलावा हम देखेंगे इनके आगे के बारे में. आज की भी दोस्तों, आज की वीडियो जो आपकी क्लास है ये इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए कि आपके आगे का जो आपका फॉर्म होगा, यानी आपके आगे की जो क्लासेस होगी इसमें आपको मेन रोल होगा इसका. ओके, क्योंकि जितनी भी केमिस्ट्री होती है वो सब किसके ऊपर डिपेंड होती है, आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड होती है. अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पढ़ा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. इस तरीके से हम आज देखेंगे मोल्स के बारे में, यानी कि जो मोल होते हैं उनके बारे में, मोल कंसेप्ट्स देखेंगे. इसके अलावा हम देखेंगे एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ओके, इसके अलावा भी हम आयंस वगैरह के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील करते हैं उनको किस तरीके से फील किया जाता है. ओके, तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है. ओके, अब हम शुरू करते हैं क्लास के बारे में. ओके, तो हमारा जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल्स के बारे में, तो उसे पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं आयंस के बारे में. हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, आयंस के बारे में. जैसे कि आपने देखा होगा आयंस, यानी कि आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो पॉजिटिव आयन होगा या कैसे होगा, नेगेटिव आयन होगा, यानी कि वो चार्ज होता है उसके ऊपर. क्या होता है उसके ऊपर, चार्ज होता है. ओके, सपोज कीजिए आपके पास में NaCl है, आपके पास में क्या है, NaCl है. ओके, अब आप क्या करते हो कि आपके जो NaCl है इसमें जो Na यानी कि जो सोडियम होता है. ओके, सबसे पहले हम सोडियम के बारे में देखते हैं, यानी NaCl में हम सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, सोडियम के बारे में, कि भाई सोडियम जो है ये जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11. ओके, अब हम देखते हैं कि आपके जो एटम होता है उसके अंदर सबसे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, अब हम देखते हैं प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड आपके जो न्यूट्रॉन होता है ये कैसे होता है, उदासीन होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज होता है. ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से फिल करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं उसको किस तरीके से फिल किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 11, यानी 11 के दे रखा है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 दे रखा है, यानी कि 11 इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 11 इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, यानी प्रोटॉन्स की संख्या भी क्या होगी, 11 होगी, एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 11 होगी. ओके, अब हम पढ़ते हैं, अब हम किस तरीके से करते हैं, एक बार ध्यान रखना, सबसे अंदर अंदर का जो ऑर्बिटल होता है उसको उसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, 2, फिर इसके बाद में कितने करते हैं, 8, फिर इसके बाद में 8, और फिर आगे करते हैं. आपके जो 9th क्लास है इसके अंदर लास्ट में 288 तक ही फील किया जाता है. ओके, इसके आगे फील नहीं करवाता है, केवल 288 तक ही इसके अंदर फील होते हैं 9th क्लास के अंदर. ओके, अब हम देखते हैं भाई सोडियम के बारे में. सोडियम जो है इसके अंदर कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, 11. ओके, यानी 11 इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन, और 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, अब हम 11 के बारे में देखेंगे, 11 कैसे बनेंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2nd, सेकंड ऑर्बिटल में 8, एंड थर्ड में 8. अब इसको कैसे करेंगे भाई, अंदर वाला जो ऑर्बिटल होगा, ओके, अंदर वाले ऑर्बिटल में कितने बनेंगे, इसमें 2. ओके, यानी अंदर वाले में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे. इसके बाद में कितने बनेंगे, 8. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. यानी 8 क्या हो गए इसके, बाहर कितना हो गए, यानी फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में 2, सेकंड में 8. अब हम देखते हैं 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है. अब हमको कितना और चाहिए, 1 और चाहिए, यानी कि थर्ड वाले ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या भर दिया, 1 भर दिया. ओके, तो 2, 8, 1, तो ये हमारे पास अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया, 2, 8, 1. ओके, यानी कि फर्स्ट वाले के अंदर 2 है, सेकंड वाले के अंदर 8 है, और थर्ड वाले के अंदर क्या है, 1 है. ओके, अब आप एक बात तो ध्यान रखना, किसी भी ऑर्बिटल को अपने पूरा स्टेप मोड करने के लिए, ऑर्बिटल पूरा करने के लिए उसको कितने रिक्वायरमेंट होती है, 8. 8 जो होते हैं आपके ऑर्बिटल उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आप देखते हो थर्ड वाला जो ऑर्बिटल है इसको कितने चाहिए थे पूरा होने के लिए, 8.
यानी आज इसको क्या चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन लास्ट वाला ऑर्बिटल में गया कितना, केवल एक। ओके, यानी कि तीसरा जो ऑर्बिटल है इसके अंदर आठ चाहिए इसको पूरा होने के लिए, लेकिन इसके पास क्या है, केवल एक है। यानी किसी कोई भी ऐसा आप हो, आपको आठ रोटी की जरूरत होती है, यानी आप आठ रोटी जब खाते हो तो आपको लगता है आपने खाना खाया है, लेकिन आपको आठ रोटी ना देकर केवल कितनी दू, एक रोटी दू, तो आपका पेट भरेगा नहीं भरेगा। ओके, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं इसका, यानी इसमें क्या बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं। ओके, अब सेकंड वाला क्या है, यानी कि हमने देखा कि सोडियम के पास में क्या हुआ, तीसरे वाले ऑर्बिटल में एक ही आपके क्या हुए, एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचा है ये क्या करेगा, या तो किसी से साथ लेगा, या अपना जो ऑर्बिटल है ये पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो किसी से साथ इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी को देगा। ओके भाई, दो शर्तें होती है, या तो अपने पास में नहीं है तो अपन दूसरे से लेंगे, या फिर अपने पास में जो है उसको हम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, दान करेंगे। ओके, अब एक है इसके पास में वन इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए कितने पूरे होने के लिए, सेवन चाहिए। अब भाई एक बार बताओ, कोई इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, अपने सेवन इलेक्ट्रॉन ये देगा, कोई भी नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, खुद के वाले को डोनेट कर देगा दूसरे को, क्या कर देगा, डोनेट कर देगा दूसरे को। ओके, यानी कि ये एट है, एट में से इसके पास में कितने वन है, तो एट में से बन जाएंगे तो सेवन बचेंगे, तो यानी कि सेवन इलेक्ट्रॉनों की क्या रिक्वायरमेंट है, अब कोई इसको सेवन दे दे ऐसा तो मुश्किल है, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे देगा। ओके, और जब किसी को ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब आप किसी को पैसे देते हो तो आप क्या लोगे, बाद में उससे पैसे लेते हो, यानी कि आपका कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, और किसी कोई अगर इससे लेगा तो उस पे क्या आ जाएगा, कर्जा आ जाएगा, यानी कर्जा हो जाएगा, नहीं कि कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं NaCl के अकॉर्डिंग, NaCl में सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी कि अपने ऊपर क्या बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। अब जो क्लोरीन होगा, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक और इसको होता है 17, यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। अब हम 17 को करके देखते हैं, फर्स्ट वाले के अंदर 2, सेकंड वाले के अंदर 8, थर्ड वाले के अंदर 8, अब हम देखते हैं 2, 8, 10, अब लास्ट में कितने बचे, 7 बच रहे हैं। ओके, यानी जो थर्ड ऑर्बिटल है ये क्या हो रहा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि अभी भी कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है किसी से, भाई आपके पास में 7 रोटियां हैं, आपको 8 रोटियां खानी है, तो आप एक रोटी किसी से ले लोगे तो आप तो कम से कम पूरे हो ही जाओगे ना। तो इसीलिए क्या करेगा, जो NaCl होता है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, इस सोडियम के पास में तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, यानी इसकी कैपेसिटी है, भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। अब क्लोरीन को भी क्या चाहिए, पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इनको क्या मिल गया, डोनेटर भी मिल गया और इनको रिसेप्टर भी मिल गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा तो इसके ऊपर एक आ जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, इसका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी फिलअप हो जाएगा। ओके, तो ये किसके बारे में हुआ, आपके आयंस के बारे में, कि कोई तो किसी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो यानी कि डोनेट करेगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो देगा यानी कि जो इसको इलेक्ट्रॉन्स को देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके किसके बारे में हुआ, आयंस के बारे में, और आयंस के बारे में देखा, फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में सेकंड बनते हैं, थर्ड वाले सेकंड में हम देखते हैं 8 एंड थर्ड में देखते हैं 8, ये आपके 288। इस टाइप से आपकी क्या मैजिकल सीरीज चलती है। ओके, फिर हमने देखा इनको किस तरीके से फील किया जाता है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इनको क्या करना है, फील करना है, जिस तरीके से मैंने फील किया था ना, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सेट करना है, 288 के फॉर्म में आपको सेट करना है। तो आपको मैं दे रहा हूं फर्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। ओके, इसके अलावा 9 के तो क्या आता है, फ्लोरीन। इसके अलावा मैं आपको दे रहा हूं आप एक काम और करना, 10 वाले को करना नहीं होगा। ओके, आपको क्या करना है, क्लोरीन का और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आपको डायग्राम बना करके इसमें फिल करने, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, तो ये आपका क्या हुआ,
होमवर्क हुआ। ओके, इसके अलावा आपको मैं दे रहा हूं MGCL2 HCL, ये आपको मैंने तीन एग्जांपल्स और दिए हैं। इन एग्जांपल्स को भी आपको क्या है बताना है कि मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर कौन सा आयन आएगा, इसके अलावा क्लोरीन में कौन सा आयन आता है, इनके आयन्स के बारे में आपको लिखना है, आपको आयन्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, जैसे कि मैंने बताया ना NaCl, ओके, जो NaCl होता है इसमें क्या होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम पे माइनस चार्ज होता है। तो आपको इस टाइप से Mg पे कौन सा चार्ज होता है, आपके क्लोरीन को कौन सा होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और ये आपको कैसे निकालना है, सेम जैसे मैंने पिछले निकाला था ना, इस तरीके से आपको क्या निकालना है, इस तरीके से निकालना है। तो ये आपके जो पांच क्वेश्चन है, ये किसके बारे में हुए, होमवर्क के बारे में आपके ये क्वेश्चन हुए। ओके, तो आप इनको लिख लीजिए, मैं आपको अगली क्लास में आऊंगा तो इनके बारे में आपको और बताऊंगा, और आगे के जो मॉडल कंसेप्ट वगैरह थे उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।